वहीं सीकर में दुल्हन के अपहरण का मामला राजपूत समाज के आंदोलन को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद की गई। प्रशासन ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सीकर की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी और कल शाम तक राजपूत समाज को प्रशासन ने दुल्हन बरामद करने और साथ ही आरोपी के गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह आश्वासन कोरा आश्वासन ही साबित हुआ क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। अभी तक पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है जिसका अपहरण हुआ था, वो दुल्हन भी और मुख्य आरोपी भी। आज तीसरे दिन भी राजपूत समाज सीकर की सड़कों पर है। लगातार तीसरे दिन भी राजपूत समाज का धरना प्रदर्शन जारी है और चूंकि कल करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर समय रहते आज सुबह 11 बजे तक दुल्हन को बरामद नहीं किया गया तो और भी अधिक उग्र आंदोलन करेंगे, और इसी के तहत प्रशासन ने पहले से सचेत होते हुए सीकर की इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए एवन संवाददाता आनंद सिंह कछावा फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद सिंह, चूंकि आज करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कल चेतावनी दी थी कि आज सुबह 11 बजे तक यदि दुल्हन को बरामद नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा, तो क्या इसी के तहत प्रशासन ने पहले से सचेत होते हुए इंटरनेट सेवा को शाम 6 बजे तक बाधित किया है और क्या कुछ रवैया है पुलिस का इस पर? ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजपूतों का आंदोलन को देखते हुए इंटरनेट सेवा ही बंद नहीं की गई है। चप्पे चप्पे पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि कल करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक गोगामेड़ी ने साफ कह दिया था कि प्रशासन ने जो समय दिया था शाम 6 बजे तक का, वो समय निकल चुका है। तो राजपूत अब पुनः रणनीति बनाते हुए सड़कों पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा। इसी के तहत राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज के लोग एकत्रित होने लगे हैं। अब एकत्रित होने के बाद में कोई नई रणनीति बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी ये बाधक हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर इनका आंदोलन होगा, आवागमन बाधित होंगे, तो प्रशासन को सोचना जरूरी हो गया है कि क्योंकि अभी तक न तो दुल्हन बरामद हुई है और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो राजपूत समाज में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और उग्र होते हुए वो बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा बनाने में जुटा है। जी आनंद, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन आनंद जिस तरह से प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो कल तक दुल्हन को दस्तयाब कर लेंगे, तो क्या माने इसमें? क्या पुलिस इतनी नाकाम साबित हुई अपने कार्यशैली में कि अभी तक दुल्हन की बरामदगी तो छोड़िए कुछ अता पता भी नहीं है? क्या कुछ पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान खड़े होते हैं? बिल्कुल ज्योति, पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने विभिन्न टीमें गठित करके राजस्थान में ही नहीं अन्य प्रांतों में भी भेजी है और जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, न दुल्हन हाथ लगी है और न ही आरोपी गिरफ्तार हो पाया है। ऐसे में निश्चित रूप से राजपूत समाज का जो आंदोलन है वो उग्र हो सकता है। जी आनंद, जिस तरह से आपने बताया कि सीकर में लगातार हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है ताकि किसी तरह का कोई उग्र आंदोलन हो तो स्थिति को संभाला जा सके, लेकिन आनंद जिस तरह से आपने पहले हमें अपडेट किया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रखा है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, तो क्या उससे कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आया? ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो सहयोगी रहे हैं दुल्हन को भगाने में, तो उनसे पूछताछ में जो बात सामने आई वो इतनी आई कि दुल्हन को उन्होंने वहां से गाड़ी से उतारा और गाड़ी में बिठाकर उनको रवाना कर दिया। उसके बाद में इनका उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस मोबाइल ट्रेस करके प्रयास में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है जिससे पुलिस ये कह सके। और कल 6 बजे तक का टाइम था, 6 बजे तक का टाइम निकल चुका है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, न दुल्हन बरामद हो पाई है न ही आरोपी गिरफ्तार हो पाया। तो ऐसे में राजपूतों का आंदोलन आज उग्र हो सकता है, जिसका खामियाजा प्रशासन को नहीं आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। जी आनंद, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें इस खबर पर अपडेट करते रहे। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि राजपूत समाज लगातार तीसरे दिन भी सड़कों पर है और इसी के तहत पुलिस प्रशासन ने सीकर की इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया है।